तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने सीएससी आईडी में मनी को कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक नई नई आपको अभी जल्दी में सीएससी आईडी मिली है, तो आपको सीएससी आईडी यूज करने के बारे में भी उतना नहीं पता होगा। तो आप जैसे आपको सीएससी आईडी मिल गई, तो आप सोचते हैं कि आप इसमें काम कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आपको अपने सीएससी आईडी में किसी भी काम करने के लिए पैसे को ऐड करना जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपनी सीएससी आईडी में मनी पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऋतिक गुप्ता। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना बकवास करें आइए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे मैं अपनी सीएससी आईडी लॉगिन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपनी सीएससी आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके सामने आपके सीएससी आईडी थोड़ी लोड लगी होगी। आपकी सीएससी आईडी लॉगिन हो चुकी है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐड मनी का ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ऐड मनी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कि आप कितना रुपए इसमें ऐड करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 100 रुपए ऐड करे ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक कर देना है, नीचे वाले पीजी पे। उसके बाद आपकी स्क्रीन थोड़ी लोड लेगी। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट फिर से मांग रहा है कि आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 100 रुपये फिर से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे रिमार्क डालेंगे, आप इस पैसे को किस लिए ऐड करना चाहते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं सेल्फ डालने दे रहा हूँ। सेल्फ डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन थोड़ी सी लोड लेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो मैं अपनी यूपीआई से करना चाहता हूँ। तो उसके बाद यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको जिसके भी माध्यम से आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी इंटर करनी है। तो जैसे मैं अपना यूपीआई आईडी डाल ले रहा हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी यूपीआई आईडी किस कैटेगरी है, उसमें लिखा होगा आपकी यूपीआई आईडी में लास्ट में। उसके बाद जैसे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अब थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा और वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपके मोबाइल पे एक गूगल पे पे जिससे भी आप करेंगे उसके पास उस पर एक मैसेज गया होगा 100 रुपये पर, 100 रुपये का। उसको आपको पेमेंट कर देना है। तो जब आप उसको पेमेंट कर देंगे, तो जैसे मैं अपना पहले पेमेंट कर ले रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने पेमेंट कर दिए, उसके सामने बाद देखिए आपके सामने आपकी जो सीएससी आईडी होगी वो लॉग आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपको लॉग इन कर लेनी है फिर से लॉग इन पे क्लिक करके। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके 100 रुपये ऐड हो चुके हैं, 100 रुपये का टॉपअप हो चुका है। चलिए आपको हम समरी में जाके भी दिखा देते हैं कि हमारे 100 रुपये ऐड हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे 100 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।